हिमाचल प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा बबली ने ज्वालामुखी में कहा कि तीन कृषि सुधार विधेयक जो केंद्र सरकार ने लागू किए हैं उनसे किसानों की दशा और दिशा सुधरेगी और प्रदेश के 3 लाख किसान परिवार हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार विधेयक के 3 कानूनों को लागू करने के लिए पूरे देश के किसान मोदी सरकार के ऋणी हैं और हिमाचल प्रदेश किसान मोर्चा कृषि सुधार विधेयक को गांव-गांव तक जन-जन तक पहुंचाने के लिए अभियान छेड़ चुका है और कई जिलों का दौरा हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कृषि व किसान को सुदृढ़ करने के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल व अन्य कई प्रदेशों में एक गरीब किसान के पास 500 रुपए भी न होने की वजह से किसान मुफलिसी का जीवन व्यतीत कर रहा था। कई किसानों ने तो आत्महत्या तक कर ली। किसानों को ऐसी स्थिति से उबारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 10 करोड़ किसानों को 6,000 वार्षिक अनुदान देकर आजादी के बाद पहली बार ऐसा कार्य किया है जो किसानों के हित के लिए उठाया गया कदम था। 95,000 करोड़ रुपया इस कार्य पर खर्च किया गया ताकि किसानों को राहत मिल सके। इसी तर्ज पर प्रदेश के जयराम ठाकुर की सरकार ने खुशहाल किसान योजना के तहत 25 करोड़ खर्च कर किसानों को उन्नत खेती उपलब्ध करवाने के लिए अभियान शुरू किया है। वर्ष 2019 में देश के किसानों ने भाजपा के साथ खड़ा होकर 300 से अधिक सीटों में भाजपा को विजय दिलवाई और प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी को दोबारा सत्ता पर आसीन कर दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव और राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को जो प्रचंड जीत मिली है वे इस बात का प्रमाण है कि देश का किसान आज भी मोदी सरकार के साथ खड़ा है। कृषि मंत्री ने किसान संगठनों को इन कृषि सुधार विधेयक में संशोधन करने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें कृषि मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम इन विधेयकों में संशोधन करने के लिए तैयार हैं। MSP व मंडियां बंद नहीं की जाएंगी, जिसके लिए सरकार किसानों की मांगों को मानने के लिए तैयार है, परंतु कुछ राजनीतिक स्वार्थी राष्ट्र विरोधी ताकतें किसानों को गुमराह कर रहे हैं और उनके कंधों पर बंदूक रखकर निशाना साध रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश, ये जो केंद्र सरकार ने कृषि सुधार विधेयक 2020 दोनों सदनों में पारित किया है, इसके गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए जन जागरण और जन संपर्क अभियान शुरू कर दिया है। माननीय मोदी जी ने आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा नेतृत्व देश को मिला जिन्होंने कृषि और किसान के विकास के लिए इतने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। हमारे देश में लंबे समय से हम देखते हैं, चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र का क्षेत्र हो, बिहार हो या बंगाल हो, 500 रुपया ना होने के कारण बहुत से किसान आत्महत्या करते थे। ये कृषि का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी था आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद। तो माननीय मोदी जी ने किसानों के विकास के लिए और इस तरह की आत्महत्याएं रोकने के लिए किसान सम्मान निधि ये जारी की है। अब कुछ राजनीतिक स्वार्थ और राष्ट्रविरोधी ताकतें वो वहाँ पर अपने निजी स्वार्थ हल करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा पूरे देश के अंदर एक बड़ा अभियान लेके इस तरह की राष्ट्रविरोधी ताकतें और निजी स्वार्थों को, जो किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर अपने स्वार्थ हल करना चाहते हैं, उन सबको बेनकाब करेंगे। और हम हिमाचल प्रदेश में एक जन जागरण अभियान का हमने कहा है कि 3 लाख किसान परिवारों में जाकर हम हस्ताक्षर करवाएंगे और वो अभियान चल रहा है पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में। और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे, इतना अच्छा फैसला कि आज तक गरीब किसान को हित में कभी भी इस तरह के फैसले नहीं हुए आज़ादी के बाद, और सबसे न्यूनतम विकास दर कृषि की रही है, उसको बदलने के लिए उन्होंने मिशन 2022 फिर से हमारे किसान की आय दुगनी करने का जो लक्ष्य रखा है उसमें हम धन्यवाद करेंगे। हम जन जागरण में पत्रक बांटेंगे, गांव-गांव में छोटे छोटे जागरूकता अभियान के माध्यम से शिविर लगाएंगे। सारा काम भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश ने शुरू कर दिया है। गरीब 10 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपये वार्षिक, ये आज़ादी के बाद पहली बार इस तरह का फैसला है। अब तक किसान सम्मान निधि में माननीय प्रधानमंत्री जी ने
देश के गरीब किसानों के खाते में 95,000 करोड़ रुपया जारी कर दिए, जो आज तक का सबसे बड़ा इतनी बड़ी राशि है। और हिमाचल प्रदेश में भी किसानों के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं, जब से जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उसके लिए बहुत सी योजनाएं किसानों के लिए, अपना जो खुशहाल किसान योजना है उसके लिए भी एक 25 करोड़ का बजट, जहर मुक्त खेती प्रदेश की जनता को मिले, ऐसा एक योजना पहली बार प्रदेश सरकार ने शुरू की है। आज मोदी जी की इन नीतियों से प्रभावित होके 2019 में फिर देश का किसान हमारे साथ खड़ा हुआ।